ये सबसे बढ़िया चीज ये है कि मतलब यहाँ पे 80% प्लेसमेंट रेट है। जी 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 ठीक है ना। तो अगर कोई मेधावी जो छात्र हैं आने वाले समय में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, अपने करियर्स को अच्छी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जी बिल्कुल, तो ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं अपना। ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, कैंपस बहुत बढ़िया जी। यहाँ जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये हुए कौशल सर हमारे, जो कि काफी मेधावी छात्र हैं और हर क्षेत्र में अपना योगदान जो है बहुत बखूबी निभाते हैं। और इनसे एक बात और जानना चाहते हैं कि सर आप हॉस्टल में रहते हैं? जी जी हम हॉस्टल जी हॉस्टल में रहते हैं। तो आपको सर यहाँ पे मेस का सुविधा कैसा उपलब्ध है? सर मेस का खाना ठीक ठाक रहता है एकदम, मतलब टाइमिंग में थोड़ा फर्क है, खाने का क्वालिटी में नहीं। क्वालिटी मतलब मस्त है आपके? क्वालिटी में एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच। जी सर आप जो भी बताइएगा सच्चाई बताइएगा कि आपके देख के बहुत सारे आपके जूनियर्स हुए वो आपको देखकर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे। हाँ, तो मेरी तरफ से एकदम हाँ है, लोग आए जो भी हमारे इन फ्यूचर जो मेधावी छात्र हैं वो एडमिशन लें। करियर बहुत अच्छा है टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल नॉलेज वैसे भी लोगों को होनी ही चाहिए। जी बहुत अच्छा रहेगा। सुमित सर आपसे पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे कॉलेज में लगभग 4 साल अब बिता के अब यहाँ से निकलने वाले, आपको कैसा लग रहा है सर अब आप छोड़ते हुए यहाँ से? छोड़ते हुए तो थोड़ा खराब लग रहा है कि 4 साल हम यहाँ बिताए कॉलेज, काफी अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है सभी से। जी जी जी। फिर भी अभी लास्ट हम लोग का चल रहा है स्टेज कॉलेज में। जी उस समय लोग यहाँ रहेंगे फिर जानेंगे यहाँ से। जी थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा। और तो दोस्तों तो अभी हम लोग ऑडिटोरियम में, आज जैसे कि आज स्वतंत्र दिवस था, जैसे कि आज स्वतंत्र दिवस था तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया है, फांसी चढ़ गया और सीने पर खाली गोली, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का बहुत भव्य तरीके से 15 अगस्त का आयोजन हुआ। सॉरी और... चीज के लिए माफी चाहेंगे आपको, ऑडिटोरियम का व्यू तो अभी नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन बाकी कभी ऐसा मौका मिला जो आपको दिखाना पड़े तो मैं दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ताला लॉक है इस ऑडिटोरियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और कभी अगर मौका मिला तो आपको जरूर दिखाएंगे ऑडिटोरियम का व्यू। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप बर्जेश बंदे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारे कॉलेज के साफ सफाई के लिए देखिए 4 डस्टबिन रखा हुआ है, और ये कैमरा मैन यहाँ फोकस कीजिए, और देखिए दोस्तों ये नेट है जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, खासकर जो हमारे एक प्रोफेसर सर है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और ये स्टेट लेवल पे भी खेलते हैं, क्लब में भी खेलते हैं, और यहाँ रोज प्रैक्टिस करते हैं डिज बॉल से, और ये हमारा नेट है। और आगे में आप देख रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल, और गर्ल्स हॉस्टल के स्पेशलिस्ट से बात करेंगे अरुण कुमार, आगे आपको गाइड करेंगे। और बाकी देखिए बाकी आगे का आंखों देखा हाल आप अरुण कुमार के साथ जुड़कर, अरुण प्रकाश के साथ जुड़कर आप देखेंगे। तो आगे अरुण प्रकाश आप कंटिन्यू कीजिए अपने। देखिए आगे तो गर्ल्स हॉस्टल है, जाना अंदर अलाउ नहीं है ना, तो अंदर भी आपको दिखाते पर अंदर अलाउ है नहीं, नहीं तो अंदर जाके आपको दिखा सकते थे। अब उसके बाहर पूरा वॉलीबॉल कोर्ट है जो बहुत ही हॉस्टल का बहुत ही बढ़िया चीज है, आप रात भर खेल सकते हो, जब मन करे तब खेल सकते हो, जितना मन करे उतना खेल सकते हैं। यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर सारा खेल रहा है, आप भी फर्स्ट ईयर में आओगे तो खेल सकते हो, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दर्द, आप नहीं खेल सकते दोस्त, नहीं 6 महीने के बाद खेल सकता है लोग। हम लोग धीरे 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 गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारा बॉल का निशान है जो अभी दोस्तों दौड़ के गया ना अभी, ये बहुत ही शानदार बॉलिंग करता है, इसका बॉल विकेट तक पहुंचता ही नहीं है। बाकी आपको बताते हैं अब हम लोग यहाँ से शॉर्ट बाउंड्री इसी मंथ में लगभग 10 दिन बाद आपको निकलने वाले यहाँ से, इसलिए आपको हम लोग ये ब्लॉग कर रहे हैं कि ताकि हम लोग अपना पास्ट जो बिताए हैं उसको कभी भी याद कर सके कि कैसा हम लोग वहाँ पे रहा करते थे, कैसा कुछ किया करते थे, वो सब आपको दिखा रहे हैं ब्लॉग में, साथ में हमारा भी कभी रिमाइंड होता रहेगा। और बाकी आगे फोकस करिए, कैमरामैन आगे थोड़ा फोकस कीजिए, और वॉलीबॉल कोर्ट आप देख लीजिए नजदीक से, देखा दो यहाँ लोग खेल रहे हैं अच्छे से, ये लोग को खेलना हम ही लोग सिखाए गाइस। इधर ये देखिए गर्ल्स हॉस्टल का मेन गेट है,
जो कि 8 बजे के बाद हो जाता है लॉक, वो अलग हाँ एक चीज अब कॉलेज का अब स्टार्ट होता है। यहाँ पे फैकल्टी क्वार्टर गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बगल में बी ब्लॉक है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। बाकी अरुण प्रकाश से जानिए इसमें क्या क्या है व्यवस्था और कौन रहते हैं इसमें। इसमें जितने ए ब्लॉक में सारे ए वाले रहते हैं। गार्ड साहब से थोड़ा कुछ मिलकर बात कर लीजिए क्या है यहाँ पे। हाँ इसके अंदर भी हम लोग का अलाउ नहीं है जाना, इसे जाने के लिए तो जा सकते हैं पर अलाउ है नहीं। कैमरा मैन जाके फोकस करिए, नहीं छोड़ दीजिए गार्ड साहब हिचकिचा रहे हैं शुरू से पहले ही से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं इस कैंपस के सबसे बवाल जगह, सबसे खतरनाक जगह, इसको आप चिड़ियाघर भी बोल सकते हैं। ये बॉयज हॉस्टल है जिसका नाम है विवेकानंद बॉयज हॉस्टल। ये ऐसा जगह है जहाँ रहते हैं जानवर जो कि बोल सकते हैं। अशोक सर ऊपर है, अशोक सर हाय कर दीजिए, दिखा दो सर हाय कर दीजिए, नहीं सर हाय कर दिए कर दिए। चलिए और इसी तरह अब देखिए, अब बाकी एक चीज आपको बताना भूल गया, आप बॉयज दिखा दीजिए दोस्तों। और बॉयज हॉस्टल यहां से आप अभी अब कुछ ही देरों में आप बॉयज हॉस्टल के अंदर आपको ले चलेंगे और वहां की व्यवस्था को आपको दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को लाइक तो बनता है जरूर। आप लोग चैनल को एकदम लाइक करके जबरदस्त शेयर ठोकिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके साथ साझा करते रहें। और बाकी अब आगे का देखा आंखों देखा हाल आप अमित कुमार से देखिए। और तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ठोकिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, देखिए फिफ्थ फ्लोर तक है जो बॉयज हॉस्टल, ऊपर करके भी फिफ्थ जब बोल रहा है तो ऊपर तक कीजिए। ऊपर हमारे सीनियर रहते हैं। क्या किसी का बर्थडे क्या कह रहा है, तू ही क्या मानना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पे कुछ महानुभाव बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं, और इन लोगों को भी ब्लॉग में लपेट लिया जाएगा गाइस। आगे ब्लॉग में लपेट लिया जाता है, एक आशिक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं जो नीला टी शर्ट पहने हुए। कैमरामैन आशिक पे फोकस करिए, कैमरामैन आशिक पे फोकस करिए। ये आशिक है दोस्तों, ये ऐसा कॉलेज का, ये है फोर्थ ईयर का सबसे पॉपुलर लड़का, भले ही इसको कोई नहीं जानता है पर है ये पॉपुलर। चलन भाई दोस्तों अब हम लोग चले हॉस्टल के अंदर। ये हमारा हॉस्टल है दोस्तों, देख सकते हैं विवेकानंद बॉयज हॉस्टल जिसमें हम लोग रहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं। आओ